द फॉर्च्यून टेलर बाय केरल चोपेग बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट स्टोरी में सस्पेंस कुछ ज़्यादा ही है। मिस्टर मैकलियर एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है और उनको मिसेज मेयर नाम की एक वुमन पर शक है। मिस्टर मैकलियर अपनी वाइफ मिसेज मैकलियर को बताते हैं कि मिसेज मेयर के घर पर दिन में कम से कम 10 से 15 लोग रोजाना आते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसेज मेयर कोई इलीगल वर्क करती है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, या फिर हो सकता है कि वो कोई सीक्रेट एजेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मिसेज मेयर फ्यूचर बताती हो, मीन्स वो एस्ट्रोलॉजर हो। जो भी हो, मुझे पता करना है कि क्या चल रहा है, और मेरे इस टास्क में तुम, मेरी वाइफ, मेरी मदद करोगी। तुम कल सुबह मिसेज मेयर के घर पर जाओगी और तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने होंगे जिससे मिसेज मेयर को लगे कि तुम अनमैरिड हो। मिसेज मैकलियरी ने वैसा ही किया जैसा उनके हस्बैंड ने उन्हें करने के लिए कहा। मिस्टर मैकलियरी का शक सही निकला। मिसेज मेयर फॉर्च्यून टेलर का वर्क करती थी। मिसेज मेयर ने मिसेज मैकलियरी को घर पर बैठाया और उनका नाम पूछा। मिसेज मैकलियरी ने अपना फेक नाम जॉन्स बताया। जॉन्स ने कहा कि मेरी एज 20 ईयर ओल्ड है और मैं अपना फ्यूचर जानना चाहती हूँ। मिसेज मेयर ने कार्ड्स के कुछ पत्ते जॉन्स के सामने रखे और कहा कि इनमें से कोई दो या तीन पत्ते शो करो। जॉन्स का रियल नाम तो आपको पता ही है, मिसेज मैकलियरी। अब जो कार्ड्स के पत्ते जॉन्स ने पिकअप किए उनको देखकर मिसेज मेयर ने बताया कि जॉन्स, तुम्हारी शादी इस साल के एंड में एक अमीर व्यक्ति से होगी और वह तुम्हें समुंदर के रास्ते से कहीं दूर ले जाएगा। अब मुझे मेरी फीस दे दो, जो कि एक गिन्नी है। जॉन्स ने उसकी फीस दे दी। अब जब मिस्टर मैकलियरी को पूरा यकीन हो गया कि मिसेस मेयर झूठी भविष्यवाणी करती हैं, तो मिसेस मेयर के ऊपर केस कर दिया। इस कहानी में एक मजिस्ट्रेट आता है जिनका नाम है मिस्टर कैली। मिस्टर कैली ने केस स्टडी करके फैसला लिया कि मिसेस मेयर लोगों को उनका फेक फ्यूचर बताकर उनसे पैसे लेती हैं, इसलिए मिसेस मेयर को 50 पाउंड का जुर्माना देना होगा। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मिस्टर केली को मिस्टर मैकलियरी मिलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा। फिर मिस्टर केली ने मिस्टर मैकलियरी से उनकी वाइफ के बारे में पूछा कि वह कैसी है। तो मिस्टर मैकलियरी ने गुस्से में आकर कहा कि उसका नाम मत लीजिए, वो किसी अमीर आदमी के साथ पानी के जहाज से ऑस्ट्रेलिया चली गई। और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है। अब ये मिस्टर मेयर्स की भविष्यवाणी थी या फिर एक इत्तफाक?